समाचार विस्तार से जोईशु। राहुल गांधी द्वारका पहुंचा है। राहुल गांधी नेताओ विषय कर्यो छे कटाक्ष। कांग्रेस में बे वर्ग छे, एक दंडा खाय छे ने बीजो एसी में बेसे छे। एसी में बेसता लोको माटे अमे बीजेपी ने विनंती करीए छे के तेओने लई जाओ, एवा लोको जोईए जेनामां डीएनए ज कांग्रेसनुं होय। कांग्रेसने मात्र 25 लोकोनी जरूर छे जेओ लड़त माटे तैयार होय। नेताओना हाथ पग पकड़वानी जरूर नथी। जे लोको काम करे एने आगळ वधवानो मौको आपो। काम नथी करता अने एसी में बेसे छे तेमने बाजू में राखो। जे काम नथी करता तेमने बीजेपी में मोकली आपवानुं काम करो। भाजपने हजू केटला कांग्रेसी नेताओ जोईए छे, जेटला जोईए तेटला नेताओ कांग्रेसथी लई जाओ। जेना डीएनएमां कांग्रेस छे तेवा लोकोनी ज कांग्रेसने जरूर छे। 10 डिसेम्बर अगाउ कोई कांग्रेसी नेता हार न माने तेवू पण राहुल गांधीए कह्युं। हाल 2-3 लोको ज गुजरातने चलावी रह्या होवानी पण वात दोहरावी अने साथे ज कह्युं के कांग्रेसे गुजरातना युवानोनुं संगठन छे। कांग्रेसे विचारधारा गुजराते आपी छे। गुजरात माटे नवू विजन बतावू पड़शे। गुजरातीओ पासे मात्र मत मांगशो तो नहीं मळे। राहुल गांधी द्वारका पहुंचा छे। कार्यकर्ताओं ने तेओए संबोधन कर्युं अने 2022 विधानसभा की चूंटणी माटे एक रणनीति बनावी होवानी पण तेओए वात करी अने साथे ज कह्युं के एक नवा विजन साथे गुजरात कांग्रेसे आगळ वधवू पड़शे, जनता नी वच्चे जवू पड़शे। साथे ज तेओए कह्युं छे के कांग्रेसे विचारधारा गुजराते आपी छे। गुजरात माटे नवू विजन बतावू पड़शे। 25 सारा नेताओनी ज मात्र कांग्रेसने जरूर छे तेवू पण राहुल गांधीए कह्युं। गुजरातीओ पासे मात्र मत मांगशो तो नहीं मळे। भाजप पर प्रहार पण तेओए कर्या अने कह्युं के गुजरातनी करोड़रज्जु भाजपे तोड़ी नाखी। कांग्रेस पार्टी को बदलने के लिए यहां पे मतलब तूफान लाने के लिए 25-30 लोगों की जरूरत है। 100, 200, 500, 1000 की नहीं। अगर आप में से 25 लोग मन बना लो कि क्यों भैया अब ना हम बीजेपी को यहां से उखाड़ के उड़ा के आउट कर देंगे, 25 लोग, मुझे 26 नहीं चाहिए और उसको भी मैं डेवलप कर सकता हूं, मुझे 25 भी नहीं चाहिए, 5 चाहिए। 5 लोग मुझे मिल जाएं और उन 5 लोगों को 5 लोग मिल जाएं, काम हो जाए। तो अब हमें क्या करना है अगले 6 महीने में, 1 साल में, कितना समय है इलेक्शन के लिए? 8 महीने। 8 महीने क्या करना है? हमें खोजना है इन्हीं लोगों में से। रघु शर्मा जी, ठाकुर जी, आपका काम क्या है? आपका काम इस भीड़ में से वो 25-30-40 लोग निकालना है और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की शक्ति सपोर्ट उनको देना है। राहुल गांधी खूब महत्व संबोधन कार्यकर्ताओं ने ध्यान राखी ने कर्यु छे। कार्यकर्ताओं मंत्र धारासभ्य पण छे आपणी साथे, एमनी साथे वातचीत करीए शुं कई कही रह्या छे। मैडम, एक स्पष्ट संदेश आप्यो छे, जे लोको एसी में बेसीने काम करवा मांगे छे एमना माटे कांग्रेस में जगह नहीं, भाजप में जवू होय तो जई शके। राहुल जी बिल्कुल साची बात कही है। जे कार्यक्रम हो, जे आगेवानो हो, संगठन हो, टिकीटू मांगवा वाला हो, चूंटायेला हो, नवी टिकीटू आपवानी हो, जे पण स्तरनु पार्टीनु डिसीजन हो, डिसीजन ने शिरोमान्य गणी जीरो ग्राउंड उपर जे लोकोनी समस्या छे, आवनार समयनी अंदर कांग्रेस पार्टी जे पण चूंटणी ढंढेरो आपे ए लोकोने चूंटणी ढंढेरानी वात करीने सतत लोको वच्चे रही અને હોદેદાર હોય તો એ પ્રમાણે કામ કરે, લડવા વાળા હોય તો એ પ્રમાણે કામ કરે। અને રાહુલજીએ ખૂબ સારી વાત કહી છે કે એસીમાં બેસીને ચલાવવા વાળા કોંગ્રેસ વાળા સત્તા સુધી નથી પહોંચી શકવાના, પણ ઝીરો ગ્રાઉન્ડમાં લોકો સુધી, લોકોના દિલ જીતીને જે લોકો જીતી આવે છે। આજ વર્ષોથી પણ ઘણા બધા એવા ધારાસભ્યો છે કે વર્ષો સુધી કાયમી પરંપરાગત રીતે જીતે છે, એ રીતે અમે પણ રાહુલજીએ જે સલાહ આપી। બેસવાવાળા કોણ છે કોંગ્રેસ જે છે એ કઈ મારી પાસે કોઈ લિસ્ટ નથી, પણ એનો કહેવાનો અર્થ એ છે કે આવું જે કઈ નાના મોટું કાર્યમાં ક્ષતિ હોય, કાર્યક્રમમાં ક્ષતિ હોય, આગેવાનોમાં ક્ષતિ હોય, નેતાઓમાં ક્યાંક લોકો વચ્ચે ગ્રાઉન્ડમાં ન જતા હોય તો નથી ગયા ત્યાંથી ચાલશે, પણ હવે જવાનું ચાલુ કરે એ રીતે પણ રાહુલજીની જે સલાહ હતી એ કોંગ્રેસના કાર્યકરો આવનાર સમયની અંદર એનું અમલીકરણ કરશે।
एक स्पष्ट निर्देश आप्यो जेने जवू होय ए जाय, पार्टी ने खोटी दबाणनी राजनीति बंद करे, आ सिवाय जे कार्यक्षम नथी एमने जवानी छूट पण आपी छे। कार्यक्षमतानो सवाल करता भारतीय जनता पार्टी जे पद्धतिथी छेल्ला 25 वर्षथी गुजरातमां राज करी रही छे एना ऊपर स्पष्ट निर्देश कर्यो छे के भारतीय जनता पार्टी पासे आजे पोताना बळे जीती शकवानी कोई ताकत नथी। आजे 100 धारासभ्यो छे तो एमां 60 करता वधारे धारासभ्यो कोंग्रेसना छे, एटले पाछला बारणेथी कोंग्रेस पक्षमां राखी અને એમાંથી ખરીદ ફરોખ્ત કરવાનો જે પ્રયત્ન ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી અને જે શાસન કરવાની પ્રવૃત્તિ ચલાવી રહી છે એનો